हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश बेसन के गट्टे। तो देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बेसन के गट्टे आप ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको कभी कभार सब्जी पसंद ना आए, तो आपको समझ में ना आए क्या बना लिया जाए, तो बेसन के गट्टे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और सबके फेस पर आ जाएगी स्माइल। तो उसके लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है, आप मेजरिंग कप से ले सकते हैं एक कप। तो इसमें मसाले डालते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और एक चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन, आप इसकी जगह जीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, चुटकी भर हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो अभी हमने इसमें डालना है 3 से 4 चम्मच दही, दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, इसे डालने से जो गट्टे हैं बहुत ही सॉफ्ट एंड मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो देखिए, इन सारे मसालों को, ऑयल को, जो दही हमने डाला है, इन सारे मसालों को बेसन के साथ हमने ऐसे ही मिक्स करना है, इसका हमने टाइट डो बनाना है। तो अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, अगर हम पहले ही पानी डाल देंगे तो जो बेसन है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसे हम पहले ऐसे ही मसल कर इसमें ऑयल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका टाइट डो बनाएंगे। तो देखिए, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका, जैसे हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं वैसा ही हमने, उससे भी थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो देखिए, इसका हम एक डो रेडी करते हैं, तो फिर बनाएंगे इसके गट्टे। तो देखिए, डो हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको आपने कितना सॉफ्ट रखना है, तो इसे आपने ज़्यादा सखर नहीं रखना है। तो अभी हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो 5-10 मिनट हो गए थे, तो देखिए चकले पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और छोटी लोइयां लेकर हमने ऐसे ही इसके गट्टे बनाने हैं। तो हाथों से ही हमने इसको शेप दे देनी है। तो देखिए, आप बड़े छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही गट्टे बनाने होंगे। तो सारे गट्टे हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो हाथों पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा लेना होगा, तो बिना चिपके बहुत ही अच्छे गट्टे बनेंगे। तो देखिए, एक कटोरी हमने बेसन लिया था, तो आपको दिखाएंगे कितने गट्टे बने हैं। तो देख सकते हैं 5 गट्टे बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही अच्छे से सब्जी बन जाएगी इसकी, और देख सकते हैं बिना चिपके और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट गट्टे बनकर रेडी हैं। तो अब हम इसे रेडी करते हैं, पकाएंगे इसे, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है, पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे, इसमें उबाल आना चाहिए, पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें गट्टे जो अच्छे से डूब जाने चाहिए। तो एक एक करके हम सारे गट्टे इसमें डाल देते हैं। तो गट्टों को हमने अच्छे से पकाना है, इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि गट्टे पककर रेडी हो गए, हम दिखाएंगे। तो चलिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक भी डाल सकते हैं। तो गट्टे को हमने बॉईल कर दिया है 5 से 10 मिनट तक, आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक सूख गया है, कम हो गया है, और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे बाइट से बबल्स आ गए हैं। तो समझिए गट्टे हमारे बिल्कुल रेडी है, हमने इसको चेक भी कर लिया था, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसे हमने चाकू से कटिंग करके देखा था। तो देखिए, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे गट्टों को। तो ऐसे ही हमने सारे गट्टे निकाल लेने हैं, अच्छे से पका दिए हैं। तो जो पानी बचा है, तो देखिए इसको भी हमने फेंकना नहीं है, इसे हम अलग निकाल देंगे। तो गट्टे को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना होगा, अब हम इसे कटिंग करते हैं। तो देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आए हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको समझ लेना होगा कि गट्टे हमारे बिल्कुल पक गए हैं। तो इसको हमने ऐसे ही थोड़े थोड़े मोटाई में ही कट कर दिया है, देख सकते हैं बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट गट्टे बनकर रेडी हैं। तो चलिए, ऐसे ही हम सारे गट्टों को कटिंग कर लेते हैं। तो गट्टे हमारे कट हो गए हैं, तो अब हम इसकी बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ पर हमने लिया है सरसों ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म कर दिया है, इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जीरे को अच्छे से भून देंगे। जीरा भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का बनाया हुआ पेस्ट। तो आपने देखा था हमने कितनी क्वांटिटी में लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स करते हैं, प्याज को भूनेंगे हम। तो पहले हम कुछ मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, तो फिर हमने प्याज को अच्छे से भूनना है, मसाले को बढ़िया से बनाएंगे। तो ग्रेवी बनानी है हमने इसकी, तो पहले हम मसाले डालते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो आपने देखना होगा नमक पहले भी डाला था घटों में तो कम ही डालें, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से करते हैं मिक्स, मसाले हमारे पकने चाहिए तो इनको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है ऐसे ही। तो देख सकते हैं अभी मसाला बहुत ही ड्राई लग रहा है तो इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर पकाएंगे। तो देखिए मसाले बहुत ही ड्राई हैं, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, इसे अभी हमने एक दो मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। तो गट्टे तो हमने पहले से ही बना कर रख लिए हैं तो इसकी ग्रेवी पर ही हमने बिल्कुल ध्यान देना होगा, अच्छे से बढ़िया से इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। तो एक दो मिनट के लिए प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालते हैं टमाटर। तो जहाँ पर हमने टमाटर की प्यूरी बना ली थी इसको हमने बॉयल नहीं किया, बस ऐसे ही हमने इसको मिक्सर जार में ग्राइंड कर दिया था। तो देखिए टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने इसको मसाले को बढ़िया सी ग्रेवी बनानी है, इसको पकाना है जब तक मसाला ऑयल ना छोड़े। तो बढ़िया से दो तीन मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जब तक इसके अंदर खुशबू ना आने लगे और बढ़िया सा कलर ना आ जाए। तो इसे हम ढक्कन लगाकर पका लेते हैं एक दो मिनट के लिए। Wow! तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मसाला बिल्कुल रेडी है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही थिक मसाला बना है। तो अभी हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने जो गट्टे बॉयल किए थे उसका पानी डालेंगे, इसको हमने वेस्ट नहीं किया। तो देख सकते हैं वही पानी हम डाल रहे हैं। तो अभी हम इसे मिक्स करते हैं। तो आपको जैसे भी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी हो तो वैसे ही हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो गट्टे हैं बहुत ही ज़्यादा पानी सोखेंगे क्योंकि वो बेसन के हैं। तो अभी हमने बेसन के गट्टे जो बनाए थे इसको डाल देंगे। इन सारे गट्टों को डालकर अभी हमने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। गट्टे जो हैं पकाएंगे, अच्छे से ग्रेवी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और जो गट्टे बनाए थे वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला बिल्कुल अंदर तक कोट हो जाएगा। तो अभी इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच कसूरी मेथी, इसे डालकर अच्छे से करते हैं मिक्स। तो अभी हम ग्रेवी को थोड़ा सा थिक कर देंगे, गट्टों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए पकाएंगे। तो एक दो मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पका लेंगे तो गट्टे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए चेक करते हैं तो देख सकते हैं मसालेदार गट्टे की सब्जी बनकर हो गई है रेडी। सब्जी ने भी ऑयल छोड़ दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। बहुत ही थिक मसालेदार ग्रेवीदार गट्टे की रेसिपी होगी है रेडी। तो अगर आप इसे गर्मा गर्म सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद करना चाहें तो इसकी आप ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखें क्योंकि जो बेसन है बहुत ही ज़्यादा पानी सोखेगा तो बहुत ही थिक सब्जी हो जाएगी। तो लीजिए बेसन के गट्टे हो गए हैं रेडी। तो आपको दिखाती है कितने सॉफ्ट गट्टे बने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छे गट्टे बनेंगे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।